हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ए सिविल। आज का वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हो यहाँ पे एस्केलेशन के ऊपर होगा। तो एस्केलेशन एक ऐसा फैक्टर है, जब आप डेटा एनालिसिस करते हो तो बिडिंग के टाइम, तो उस टाइम आप एक लेबर कंपोनेंट पकड़ते हो, तो उसका डिक्रीज या इंक्रीज टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो होगा, लेबर रेनफोर्समेंट, आपका सीमेंट, ऑयल, सबके ऊपर ही एक एस्केलेशन होता है। लेकिन आजकल मैक्सिमम प्रोजेक्ट में बेस रेट का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो आप देखिए, आपको मैं एक रेट एनालिसिस करके दिखाया था स्टील का, वहाँ पे बेस रेट का कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लेबर का कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ पे मैं लेबर का डायरेक्ट ना डाल के डायरेक्ट सब वेंडर का रेट डाल दिया था। लेकिन आप लोग देखेंगे, जब हम लोग DSR में रेट एनालिसिस देखते हैं, तो यहाँ पे मेटल के साथ साथ लेबर का कंपोनेंट भी पकड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे जो लेबर कंपोनेंट है वो 0.1 और उसका रेट भी पकड़ा हुआ है। तो इस रेट अगर बढ़ेगा या कमेगा टाइम ड्यूरेशन के टाइम, तब हम लोगों का रेट एनालिसिस, रेट एस्केलेशन का काम आता है। तो देखिए, यहाँ पे वेबसाइट से मैं जो फॉर्मूला निकाला हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है VL इक्वल टू 0.85 इन मल्टीप्लाइड पी ऑन बाई 100। तो पी ऑन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ लेबर कंपोनेंट ऑफ द वर्क, मतलब आपका जो वर्क ऑर्डर है उसमें लेबर का वर्क परसेंटेज कितना है वो डिफाइन करता है, उसके ऊपर 0.85% आपको एस्केलेशन में मिलता है। और देखिए, यहाँ पे लिखा है L1 माइनस L0। L0 होता है आपका जब बिडिंग ओपन होता है उस टाइम जो लेबर कंपोनेंट का रेट होता है वो L0 होता है, उसको आप बेस पकड़ लीजिएगा। और टाइम वेरिएशन के हिसाब से जब आपका लेबर रेट बढ़ेगा या कमेगा वो आपका L1 होता है। तो एस्केलेशन माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, एज पर बेस रेट, जैसे मैं आपको दिखाया था स्टील का और RMC का। वैसे भी आपको लेबर का रेट अगर कमेगा तो एस्केलेशन माइनस आएगा, लेबर का रेट अगर बढ़ेगा तो एस्केलेशन प्लस में आएगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक है लेबर कंपोनेंट के ऊपर एस्केलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे एक वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर पब्लिश हुआ था, टेंडरिंग हुआ था 2018 साल में। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, जो वर्क ऑर्डर बिडिंग हुआ था, तब वहाँ पे एस्केलेशन प्रॉपरली एक फॉर्मूला दिया हुआ था, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था एक फॉर्मूला जो मैं वेबसाइट से लिया था। ऐसा ही फॉर्मूला वर्क ऑर्डर बिडिंग के टाइम वर्क ऑर्डर में मेंशन होता है कि कैसे आपको एस्केलेशन लेना है। तो देखिए, सेम VL मतलब आपका वेरिएशन ऑफ लेबर कॉस्ट, W का मतलब है आपका 85% वैल्यू ऑफ वर्क डन लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच बेस रेट इज डिफाइंड इन BOQ, मतलब इस BOQ में कुछ बेस रेट का मेंशन है, जैसे आपका RMC, आपका AAC ब्लॉक, सीमेंट, स्टील, ये सब का बेस रेट मेंशन है। तो वो बेस रेट का मटेरियल को माइनस करके जो कॉस्ट आएगा उसके ऊपर 85% वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ पे 25/100 दिया हुआ है, तो 85 हो जाएगा W के ऊपर। फिर सेम L1, L0, L0, तो यहाँ पे जो L0 है, ये जो बीडिंग हुआ था 2018 साल में, तब जो रेट हुआ वो यहाँ पे फिक्स रहेगा, और L1 आपका टाइम वेरिएशन के ऊपर जो डिपेंड करेगा वो रहेगा यहाँ पे। तो चलिए आपको यह फॉर्मूला दिखा देते हैं। तो ये देखिए, 2018 साल में रेट कितना था मेरा अनस्किल का रेट था। तो चलिए अभी शुरू करते हैं फॉर्मूला के साथ, इसको अभी बंद कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला आपको दिखा रहा था, इसको भी बंद कर देते, इसको नहीं चाहिए। तो आपको मैं जो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिखा रहा था VLW, ये जो है वो एक्सेल पे यहाँ पे पूरा मेंशन करके आपको बिल प्रिपेयर करना है। तो देखिए, यहाँ पे मेनली मेरा W है 85% मल्टीप्लाई V माइनस S माइनस C माइनस A माइनस स्ट्रक्चर, मतलब S का मतलब है आपका, देखिए यहाँ पे पूरा मेंशन क्या हुआ है, S का मतलब है आपका स्टील का बेस रेट, C का मतलब है आपका RMC कॉन्क्रीट का बेस रेट, A का मतलब है आपका AAC ब्लॉक का बेस रेट, और STR मतलब है स्ट्रक्चर बेस रेट का बेस रेट। क्योंकि यहाँ पे पूरा साफ लिखा हुआ है आपका 85% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क डन लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच बेस रेट इज डिफाइंड इन BOQ। तो मेरा BOQ में ये चारों आइटम का बेस रेट मेंशन है, उसको मैं बिल में क्लेम किया था, इसलिए यहाँ पे ये वाला रेट आपको माइनस करके लेना है। तो देखिए, 2018 साल में ये जो आर्टिकल है, 2018 साल में जो रेट था वो आपका यहाँ पे 755, जोन बीम ए में आता है। तो 7775 डिवाइडेड 28 करते हैं तो आता है 277.67, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्या हुआ है,
और 26 डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो रेट आपका यहाँ पे मेंशन होगा यहाँ पे, ये आपका 26 दिन का रेट है, तो 26 दिन से मल्टीप्लाई करके मेरा को L0 डिफाइन कर लेना है, और उसका आर्टिकल नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कौन सा आर्टिकल से आप ये रेट ले रहे हो। तो पहले जो क्वार्टर होता है, देखिए साल में दो बार मेरा रेट चेंज होता है। तो पीरियड वन में जो आपका बिल का बेस वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, वी में आपका बेस वैल्यू पुट करना है। फिर देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टिल, इसको मैं कैसे लिया हूँ, यहाँ पे वर्किंग शीट है, तो वर्किंग शीट में मैं कैसे किया था, देखिए RA1 RA7 RA11 मतलब ये जो क्वार्टर्स है, ये क्वार्टर्स के एंड में जो आर ए बिल सबमिट हुआ था वो आर ए बिल रेफरेंस के थ्रू मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, और उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। तो देखिए RA1 में मेरा स्टील का क्वांटिटी इतना क्लेम था, उसका बेस रेट 45,000, तो अमाउंट आता है इतना। सेम ही आपका M20 ग्रेड M40 जो कॉन्क्रीट है, पूरा यहाँ पे देखिए लाइन से पूरा बेस रेट का यहाँ पे पुट किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए पूरा माइनस कर किया हुआ है, मतलब मेरा RA7 में जब मेरा क्यूमुलेटिव आएगा वो माइनस प्रीवियस, RA11 में जो माइनस क्वांटिटी आएगा ये माइनस ऊपर का दो, तो दिस बिल उस प्लेट का क्वांटिटी यहाँ पे आ गया है, तो ऐसे करके मेरा पूरा अमाउंट यहाँ पे लेके आ गया मैं। तो अभी देखिए यहाँ पे बेस रेट वैल्यू जो था RA1 का वो ये था, पीरियड 2 में जो बिल जमा हुआ था मतलब RA7, जब देख सकते हो RA7, तो RA7 का वैल्यू ए था, तो ए माइनस ए तो पीरियड आ गया है। ऐसे करके पूरा आपको यहाँ पे सजाना है, ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चर स्टिल देखिए आपको यहाँ पे जो रेट है मैं पूरा यहाँ से उठाया हूँ, ये देखिए ये जो रेट है टोटल आपका अमाउंट आता है यहाँ पे 1689, तो यहाँ पे वही रेट उठा हुआ है, देखिए 1689। फिर कॉन्क्रीट का भी आपका लिंक क्या हुआ है, पूरा देखिए ये पूरा लिंक क्या हुआ है यहाँ से। फिर आता है आपका ए सी ब्लॉक चालू हुआ था यहाँ से, तो यहाँ से चालू होगा RA19 से। फिर आपका स्ट्रक्चर स्टिल ए पीरियड में काम हुआ था, तो उसका ए पीरियड में है। फिर डब्लू आपका देखिए यहाँ पे फार्मूला डाला हुआ है 85% इंटू D26, मतलब आपका बेस वैल्यू ऑफ वर्क डन मल्टीप्लाई 85% माइनस स्टील का बेस प्राइस माइनस कॉन्क्रीट का बेस प्राइस माइनस ए सी ब्लॉक माइनस स्ट्रक्चर स्टील करके ये अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अभी देखिए L0 और L1, तो यहाँ पे L0 और L1 आपको कैसे मिलेगा, तो आपको L1 उस पीरियड का मतलब जून 2019 में जो आर्टिकल निकलेगा उसमें रेट होगा। तो देखिए 8005 था डिवाइड 26, देखिए ऐसे करते यहाँ पे देखिए यहाँ पे L0 पूरा फिक्स्ड है मेरा, यहाँ पे L0 पूरा फिक्स्ड है, यहाँ पे रेट मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे पूरा रेट बढ़ रहा है। तो हर रेट को जो जोन ए है हमारा, तो वो जोन ए का रेट 26 दिन से डिवाइड करके यहाँ पे पूरा रेट आ गया है, एक अनस्किल का 8 आवर्स का रेट। फिर यहाँ पे परसेंटेज कैसे आएगा, परसेंटेज आपका आएगा L0 माइनस L1 डिवाइडेड L0, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे K26 माइनस J26 डिवाइडेड J26, मतलब ये जो फार्मूला है यहाँ पे इतना सा यहाँ पे परसेंटेज लिया हुआ है। अभी इसका मल्टीप्लाई होगा मेरा ए W मल्टीप्लाई ए परसेंटेज, तो यहाँ पे जो W था आपका यहाँ पे, तो ये जो मेरा फार्मूला है, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए करके यहाँ पे अमाउंट आ गया है, तो ये टोटल अमाउंट प्लस करके मेरा टोटल बिल आता है 69,83,622। ये आपका बिल पीरियड है मार्च 19 से जून 22, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्क डन वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ये अमाउंट यहाँ पे आता है। तो ये था एस्केलेशन बिल, ये फॉर्मेट में लिंक में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए।